डियर स्टूडेंट ऑफ नाइन्थ क्लास, लेट्स वी विल डू 11th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 15.1। हियर इन 11th क्वेश्चन वी हैव गिवन 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर, ईच मार्क 5 केजी, एक्चुअली कंटेन्ड द फॉलोइंग। ये हमारे पास कुछ पैकेट हैं फ्लोर के, व्हीट फ्लोर, तो इनके ऊपर मार्क किया गया है। इसमें 4.97 केजी है, ये 5.05 एंड सो ऑन, मतलब कोई 5 का है, कोई 5 से थोड़ा ज्यादा और कोई थोड़ा बहुत 5 से लेस देन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग चूजन मोर देन 5 केजी। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है मोर देन 5 केजी। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल बैग्स, हाउ मैनी टोटल बैग्स, 11, ठीक है। नंबर ऑफ बैग मोर देन 5 के जी, हुज वेट, ओके, विद वेट या हुज वेट मोर देन 5 के जी। 5 के जी से मोर देन, देखिए 5 पॉइंट समथिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो जो मोर देन 5 है ऐसे कितने बैग हैं, 7 बैग। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है मोर देन 5 के जी की, मोर देन 5 के जी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केसेज। फेवरेबल की कंप्लीट स्पेलिंग आपको लिखनी है, फेवरेबल कितने हैं 7 और टोटल कितने हैं 11। नाउ कम टू दी 12th क्वेश्चन, हेयर 12th क्वेश्चन, इन क्वेश्चन 5th 4.2 यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन देयर इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सर्टेन सिटी फॉर 30 डेज की। हमें सल्फर डाइऑक्साइड की जो प्रेजेंटेशन है एयर में उसकी हमें डिटेल गिवन है। यूजिंग द टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.1 to 0.16। यहाँ पे हमारे पास आप टेबल देखिए, दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो 0.12 और 0.16 के बीच में इंटरवल हमारा लाई करता है। यहाँ पे देखिए, इन दिस क्वेश्चन टोटल डेज हमारे पास कितने हैं 30, ठीक है। नंबर ऑफ डेज इन विच सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, इन द इंटरवल, किस इंटरवल में 0.12 0.16 बीच में लाई करती है, बिटवीन दी 0.16। अब इस टेबल में आप काउंट करोगे ऐसा इंटरवल जो 0.12 0.16 के बीच में लाई करता है, देखिए ओनली 1, ठीक है। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरवल 0.12 to 0.16 बिटवीन 0.12 to 0.16, फेवरेबल केस कितने हैं 1 और टोटल केस क्या है 30। पीछे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऐसे 2 डेज दिखाए गए हैं, अदर या तो क्या है टेबल की स्टेटमेंट में मिस्टेक है या पीछे आंसर में, क्योंकि हमने टेबल को अच्छे से नोट किया है। इसमें 0.12 0.16 के बीच में ओनली 1 डे ही ऐसा आता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है 0.12 0.16 के बीच में है, तो आंसर क्या आएगा 1/30। अगर किसी की टेबल में 2 डेज है ये, तो 2/30 करके आंसर उसका क्या आता 1/15। नाउ कम टू दी लास्ट सम 13, इन क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 14.2 यू वर आस्क टू प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डिंग द बल्ड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट इन ए क्लास, यूज दिस टेबल डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम हैज बल्ड ग्रुप ऑफ, ए बी बल्ड ग्रुप वाले स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। यहाँ पे ये हमारा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टोटल स्टूडेंट 30, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है विद बल्ड ग्रुप ए बी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, टोटल स्टूडेंट्स, हाउ मैनी टोटल स्टूडेंट 30,
नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ वर्ल्ड ग्रुप ए बी, वर्ल्ड ग्रुप ए बी के स्टूडेंट हम इनमें काउंट करते हैं। देखिए पूरी टेबल में ए बी जिसमें है, ये अलग है, ये ए है और ये बी है। ए बी 1, 2, 3, तो ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनका वर्ल्ड ग्रुप क्या है, ए बी 3। तो प्रोबेबिलिटी विद वर्ल्ड ग्रुप ए बी, वर्ल्ड ग्रुप ए बी प्रोबेबिलिटी की निकालेंगे, फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस। फेवरेबल क्या है, 3 अपॉन में 10, आंसर 3/30 आंसर क्या आ जाएगा, 1/10। जो आपको मैंने एक्सरसाइज अभी अभी 15 करवाई है, इसमें जो आपके 9 और 10 सम है, ये जस्ट एक्टिविटी है। ट्राई योर सेल्फ एंड नाउ योर 15 चैप्टर इज कंप्लीट।